वीडियो का टॉपिक है टेलीफ्रेम 5.0 में ऑटोमेटिक लेजर किस तरह से क्रिएट करेंगे जीएसटी नंबर के थ्रू। इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे यहां से गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट वाले ऑप्शन पे और यहां से आ जाएंगे लेजर वाले ऑप्शन में। लेजर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं फिर डिटेल यूजिंग जीएसटी आईएन पब्लिक यूआईएन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर जिसका भी लेजर क्रिएट करना है उस पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। उससे पहले आपका जो ये सिस्टम है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो ये डिटेल आप फैच नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ये एज पर बुक के हिसाब से आ जाएगा और यहाँ पर एज पर पोर्टल के हिसाब से आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी लेजर को आप जनरेट करें या क्रिएट करें न्यू लेजर को, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे आ जाना है अपडेट एज पर पोर्टल के हिसाब से, इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक सिर्फ एक बार कर लेना है और उसके बाद कंट्रोल इसे इसे हम क्या करेंगे सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने इसका पूरा नाम यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, जीएसटी नंबर फुलफिल हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें करना क्या है, नीचे आ करके इसका अंडर ग्रुप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर ये डेब्टर है तो डेब्टर, अगर ये क्रेडिटर है तो फिर आप इसे क्रेडिटर में ले लेंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से आपका क्रिएट हो जाएगा लेजर। इसमें एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, ये इस पर क्लिक करिए, फिर से पेस्ट करिए, एंटर कीजिए। ये डिटेल ओपन होने के बाद इसमें होगा क्या कि आप इसका फाइलिंग हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको दिखाई देगा कि ये कब कब और किस महीने तक इसने फाइल किया है, रिटर्न क्वार्टरली है या मंथली है, सब कुछ इसका यहाँ पर आपको देख सकते हैं। 3B और R1 A to Z डिटेल ये दिखाई देगा। इसका रिटेल बिजनेस है या होलसेलर है वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। A to Z डिटेल यहाँ पे आपको ये प्रोप्राइटरशिप है, इसका जुडिशियल कोड क्या है, स्टेट और सेंट्रल क्या है, सब कुछ इसका सेंट्रल जुडिशियल क्या है वो सब कुछ आपको यहाँ पे, इनवॉइस एजेंट का स्टेटस इस पर एप्लीकेबल है या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको ये शो हो सकता है। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से वन बाय वन करके बहुत सारे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस मान के चलिए आपने पहले से ही कोई लेजर क्रिएट कर रखा है, इसके लिए आपको क्या करना है, अल्टर पे चले आना है, यहाँ पर लेजर में आ जाना है और मान के चलिए आपने ये एक लेजर पहले से क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर ये लेजर सब कुछ एड्रेस वगैरह फुलफिल है या नहीं, इनकेस आपका फुलफिल नहीं है, आप चाहते हैं जो जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है प्रोजेक्ट उसके हिसाब से इसमें सही नाम सही एड्रेस आ जाए, आपको ये इस पर क्या करना है, फिर से इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ का जीएसटी नंबर अपने आप ले लेगा और एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए एज पर बुक में आपने जो सब फुल किया है वो यहाँ पर फुलफिल किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है और इसका जो सही एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। आपको करना क्या है, ये फिर से इस अपडेट पे क्लिक कर लेना है, ये ऑटोमेटिक देख लीजिए एज पर पोर्टल के हिसाब से एज पर बुक में भी आ गया और फिर इसे कंट्रोल इसे हम कर देंगे सेव, ये ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज करना है ये डेब्टर है या क्रेडिटर और उसके बाद इसे कंट्रोल इसे हम कर देंगे सेव। तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये इसका लेजर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि तो आपका सिंगल सिंगल अगर लेजर क्रिएट करना है या अपडेट करना है, मान के चलिए आपके सामने बहुत सारा लेजर हो और सबका जीएसटी नंबर आपके पास है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे, उसमें जितना भी आपके पास जीएसटी नंबर है सबसे पहले उसे इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, A to Z जितना भी 100-200 जो भी हो सबको एक साथ यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सबसे पहले चले जाना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन में, उसके बाद यहाँ से एंटर करना है, फिर स्टेटरी रिपोर्ट में चले आना है, जीएसटी रिपोर्ट में चले जाना है और यहाँ से जीएसटी यूटिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटी आईएन एंटर करना है। यहाँ पर आपको अब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये देख लीजिए इम्पोर्ट जीएसटी आईएन फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल के थ्रू आप यहाँ पे जीएसटी नंबर को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
ये जो शीट एक्सेल में आपने फुलफिल किया है जीएसटी नंबर, उसे पहले सबसे पहले हम सेव कर लेंगे फाइल को। इसको सेव करने के बाद आपको ये इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे करना है अब क्लिक। यहाँ से जहाँ पे भी आपने सेव करके रखा है उसे सेलेक्ट ड्राइव कीजिए, और यहाँ से डॉक्यूमेंट में आपने रखा है या डेस्कटॉप पे जहाँ भी रखा है वहाँ पे उसे क्लिक कीजिए। और ये देख लीजिए जीएसटी नंबर के नाम से मैंने फाइल सेव कर रखा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। शीट वन पे है तो शीट वन को आपको एंटर करना है। ए वाले कॉलम में है, ए वाले कॉलम में है, ये देख रहे हैं, इस वाले कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इस टोटल यहाँ पे आ गया है अब आपके पास। अब आप इसे क्या करेंगे, कंट्रोल ए से इसे कर लेंगे सेव। जैसे ही कंट्रोल ए से सेव करेंगे ये आपके सामने ए टू जेड इसका पूरा डिटेल आ चुका है। और यहाँ से आप वन बाय वन करके पूरे लेजर को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसका रेगुलर है कौन सा, इसका कंपोजिशन है किसका रेगुलर है, सब कुछ ए टू जेड। जीएसटी नंबर किसका एक्टिवेट है नहीं है, कंट्री स्टेट एड्रेस वगैरह, या आपका टोटल डेप्टर है क्रेडिटर है, जिस ग्रुप में आप रखना चाहते हैं वो ग्रुप भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम कंट्रोल इसे करेंगे सेव। इसमें कह रहा है कि ये नाम जो नाम पहले से ही आपका जनरेट होगा वो यहाँ पे नहीं देगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसे स्केप करके हटा देंगे उस नाम को, और फिर इसे हम करेंगे कंट्रोल इसे सेव। लेजर ऑलरेडी एग्जिट, ये लेजर आपका एग्जिट है तो इसे भी आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एक बार में एक ही नाम लेगा। अब हम चेक करते हैं लेजर मेरा जनरेट हुआ है कि नहीं। देख लीजिए जो सब जनरेट हो गया वो लेजर यहाँ पे आ चुका है पूरे नाम के साथ, फुल डिटेल, पूरे एड्रेस के साथ, ए टू जेड। इस तरह से हम एक ही बार में बहुत सारे लेजर को जनरेट कर सकते हैं बिना टाइप किए मैनुअली। ये सब ऑटोमेटिक आपको यहाँ से डिटेल हो जाएगा। एक बार जीएसटी नंबर आप सही से फुलफिल कर लेंगे और इंपोर्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक लेजर आपका जनरेट हो जाएगा। आप लेजर को फेच भी कर सकते हैं कि आपका एड्रेस सही से फुलफिल है या नहीं, ए टू जेड।